और हम तुम्हारे सारे षड्यंत्रों का ब्यौरा तुम्हारी इंग्लैंड की महारानी तक अवश्य पहुंचाएंगे। और यदि फिर भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के घिनौने षड्यंत्रों को अनदेखा करती हैं, फिर हमारे पास एक ही विकल्प रह जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खुला युद्ध। कैसे बचाएंगी आप झांसी का? हमारे हजारों स्वॉर्ड फाइटर्स से आपकी अकेली तलवार कैसे मुकाबला करेगी? युद्ध केवल तलवारों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है। रणभूमि में जब आना तो झांसी का पच्चा पच्चा तुम्हें वहां इंतजार करता दिखाई देगा, और हमारी स्त्रियों की चूड़ियां ढाल और उनकी मांग का सिंदूर फाल नजर आएंगे तुम सबको। महारानी लक्ष्मी बाई की, 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 महारानी लक्ष्मी बाई की। धन्य हो महारानी साहिब, धन्य हो। इतिहास झांसी की इस वीरांगना को कभी भूल नहीं पाएगा। हम लोग झांसी के लिए तन मन और धन किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। जाओ जाओ हैमिल्टन, जाओ और कह दो अपने लॉर्ड डलहौजी से कि हम झांसियों ने अपनी झांसी तुम फिरंगियों को देने से इनकार कर दिया है। यदि फिर भी हमारी झांसी छीनने के तुम इच्छुक हो तो मिल जाना रणभूमि पर। जा। और झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई के इस जुमले ने ब्रिटिश हुकूमत को दहला कर रख दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी के फरमान को मानने से इनकार ही नहीं किया बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध के लिए चुनौती भी दे डाली। लेकिन डलहौजी की सबसे बड़ी उलझन ये थी कि वो झांसी को छोड़ भी नहीं सकता था और उस पर एकदम हमला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान में चार्टर एक्ट के तहत रिन्यूअल होना था, और ऐसे में उसका उठाया हुआ एक गलत कदम भी कंपनी के वजूद के लिए खतरा बन जाता। आखिरकार सबकी सलाह सुनने के बाद डलहौजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो भी लक्ष्मीबाई की अपील के खिलाफ अपना पक्ष क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास रखेगा। वी विल हायर द बेस्ट लॉयर। लक्ष्मीबाई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे में उसने अपने भरोसेमंद और काबिल वकील को बुलाया जिसके मन में झांसी और लक्ष्मीबाई के प्रति अगाध श्रद्धा थी। बातचीत के निष्कर्ष में लक्ष्मीबाई ने निर्णय लिया कि जॉन लैंग को डलहौजी के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए लंदन भेजा जाए। लंदन कोर्ट में बैठे अधिवक्ता गण झांसी के भाग्य के फैसले के लिए कानूनी चिरह कर रहे थे, और इन तमाम लोगों में मानसिक रूप में अकेला जॉन लैंग झांसी का समर्थन कर रहा था। वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो फैसला झांसी के हक में हो, लेकिन जॉन लैंग के चाहने से क्या होता है। फैसला होने में वक्त लगता रहा। लक्ष्मीबाई दिन रात भगवान के सामने खड़ी झांसी के हित के लिए प्रार्थनाएं करती रही और निर्णय का इंतजार भी। गुजरते वक्त के साथ साथ नन्हा युवराज दामोदर बड़ा होता गया और झांसी भावी नरेश के रूप में उसे देखने लगी। इस तरह 3 साल गुजर गए। अंग्रेज एक तरफ तो पूरे बुंदेलखंड को हथियाने के लिए लंदन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ झांसी के आसपास की अन्य रियासतों को एक एक करके
ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला रहे थे, ताकि वक्त आने पर उन्हें अगर लड़ना भी पड़ा तो वो चारों तरफ के इलाकों पर उनका आधिपत्य पहले से ही कायम रख सकें। लक्ष्मीबाई के चट्टान जैसे इरादों का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल और चली। लक्ष्मीबाई की सेना में हिंदुस्तानी ज्यादा भर्ती ना हो, इसलिए आसपास की रियासतों के हिंदुस्तानियों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन कौन जानता था कि इतिहास तो करवटों पर करवटे ले रहा था। हक है, हक है। मलंग बाबा, क्षमा कर दीजिएगा बाबा, हमें लगा आप हमारे मलंग बाबा हैं। हाँ बेटे, हम वही हैं। बेटे कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वही है। बदला है तो सिर्फ ये जिस्म, वही रूह है, वही ख्वाब है बेटे, वही ताबीर और वही हिसाब। आप सही कह रहे हैं, परंतु ये संकट। ना बेटी ना, संकट जितना बड़ा दिखता है दोस्तों की चट्टानों में पिस जाता है। अंग्रेजों के पाप का घड़ा भर चुका है बेटी, इस फकीर ने वो चिंगारी किसी की आंखों में फूटती हुई देखी है। हक है, हक है, हक है, हक है। और मलंग की बात 100% सही थी। अंग्रेज सोच रहे थे कि वो हिंदुस्तानियों को अपनी सेना में भर्ती करके अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्हीं की सेना के एक मामूली से सिपाही के होठों से फूटे जय घोष ने हिंदुस्तान की सरजमी पर महाप्रलय का रूप ले लिया था। पाखंडी मूर्ख, ये क्या तू किया तूने? सब भ्रष्ट कर दिया। अब मैं अपने इन ब्राह्मण ग्राहकों को कौन सा पानी पिलाऊंगा? अरे हमारा घड़ा में पानी नहीं था मिठाई लाल जी। अब का नीच और का हूं, सब बराबर है ना। नीच, हम ब्राह्मण लोगों का धर्म भ्रष्ट करने पर लाए तू? पाखंडी, मंगल पांडे के सामने क्षमा मांगने की जगह हंस रहा है। अरे हंसे नहीं तो का करे पांडे जी, हमारा ये घड़ा छुए से तो हर धर्म भ्रष्ट रही गवा। और उन फिरंगियों की नौकरी करते समय सुअर से बना और गाय की चर्बी मिला हुआ जो हम खोला था ना अपने मुंह से कारतूस, वो खोलते वक्त तुम्हारा धर्म भ्रष्ट ना होता है? नीच। अरे मार लो और मारो, साच को आज का विश्वास ना हो तो चलो हमारे साथ। ये क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे? सिपाही जी, कारतूस बन रहा है आप लोगों के लिए। और इस पतीले में क्या है? चर्बी है, चर्बी गाय और सुअर की चर्बी। अरे यह से तो कारतूस का मुंह बंद होता है।
दिखाते हैं, ये देखिए। साब आए से क्यों करे हो? अपनी अपनी बंदूकें उठाओ। I am giving you last warning. I will count till 10. उसे पहले तुम सब बंदूकें उतारो, otherwise हम बंदूक नहीं चलाएंगे। चर्बी से भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। और इस तरह आजादी का पहला शोला भड़क उठा। मंगल पांडे फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह छेड़कर पूरे हिंदुस्तान का पहला शूरवीर नायक बन गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मन मस्तिष्क पर भी फिरंगियों से लड़ने वालों के रूप में वो आदर्श छवि बनकर नक्श हो गया। ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा स्वाहा। महारानी साहब, महाराज के श्राद्ध का हवन पूर्ण हुआ। अब ये प्रसाद उनकी अस्थि कलश को छूकर नदी में प्रवाहित करना है। Thank you.
नरेश, महाराज दामोदर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। दामोदर, आपके चेहरे की यह चमक हमारे जीते जी कभी समाप्त नहीं होने देंगे। अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे। आज पूरे 3 वर्ष हो गए महाराज, परंतु आपकी याद के घाव भरे नहीं। ये धूल फिरंगी कभी हमें न्याय नहीं देंगे, परंतु फिर भी हम उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे। इसी कारण आपकी अस्थियां अभी तक विसर्जित नहीं कर पाए। अब तो केवल एक लक्ष्य रह गया है हमारे जीवन में, इन धूर्त फिरंगियों को अपनी झांसी से हमेशा हमेशा के लिए भगा देना। यदि इस तरह वार करोगे तो अपने शत्रुओं को परास्त कैसे करोगे? पहले वार रोकना सीखो। ऐसे आना है। जब सामने से वार हो रहा हो तो प्रहार करने वाले हाथों पर दृष्टि रखो। यदि एक बार तुमने अनुमान लगा लिया तो तुम्हारा वार सटीक बैठेगा। अरे अरे रुको महाराज, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हैं आप? आने दो उन्हें। महारानी साहब, हम यहाँ आपके लिए संदेश लेकर आए थे। हर हर महादेव। मेरठ में सैनिकों द्वारा सुलगाई आग भड़क उठी है। एक हिंदुस्तानी सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। अगर हम सब मिल जाएं, तो इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाने में अधिक समय नहीं लगेगा। वीर सैनिकों, अब एक चिंगारी आग बन चुकी है। एक जियाले सैनिक के विरोध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को झिंझोड़ के रख दिया है। यदि अब हम हिंदुस्तानी इन क्रांतिकारियों से मिल जाते हैं तो इंग्लैंड की महारानी का निर्णय भी कोई मायने नहीं रखता। आज हम इस वीर योद्धा को नमन करते हैं जिसने अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख दिया। अब ये हमारा दायित्व है कि हम इस आग को ज्वालामुखी में बदल दें, पूरे हिंदुस्तान में इन अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ दें। बोलो, वीर योद्धा मंगल पांडे की जय! वीर योद्धा मंगल पांडे की जय! वीर योद्धा मंगल पांडे की जय! अब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो चुका है। अब इन फिरंगियों को हमारी धरती छोड़कर जाना ही होगा। परंतु अब हमें बहुत सचेत होकर सावधानी से कदम रखने हैं। ये अंग्रेज चुप अवश्य हैं,
परंतु इनके दिमाग में हलचल अवश्य हो रही होगी।